यही था वो, कहाँ गया? पारो, मैं अपना हार लेने आई थी। उस रात आसमान से अगर कोई देवता भी देख रहा होता जो कुछ मैंने देखा, तो वो भी इस कमरे में उतर आता और वही होता जो कुछ हुआ। हम उम्र भर तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम जो चाहोगी वो देंगे। आप मुझे माधव वापस दे सकते हैं? हमें तुम्हारे दुख का पूरा एहसास है, लेकिन पारो, अब मुझे कभी छूना नहीं छोटे सरकार। और अगर भगवान है और अगर कहीं न्याय है, तो जैसे मुझसे माधव छीन लिया गया छोटे सरकार, वैसे एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे कुदरत छीन लेगी। चलो बेटे, हम हमदर्दी से पेश आ रहे हैं और तुम बोले अब जा रहे आओ हो। भी चुप करो, बड़े सरकार सुन लेंगे। देर हो रही है बेटे, मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर सुनाऊंगी। हाँ नहीं, बड़े तुम सरकार नहीं जाओ। तो क्या अब हमें ऊपर आना पड़ेगा? सीढ़ियों से थकावट हो जाएगी पिताजी, आप बैठिए रिक्शा में, मैं बस अभी पहुंचा नीचे। कर क्या रहे हो बेटे? आपसे मैंने कहा ना कि सीढ़ियां मत चढ़िए, आपकी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, करीब आपको बुखार था। अच्छा तो हम नीचे रिक्शा में इंतजार करते हैं। Thank you.